अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके और रीजनिंग। इन दोनों की पढ़ाई मैंने कैसे की थी और सीसीएल 2022 के प्री के लिए आपको जीके और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक्स को कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे जीके से। जीके में जबकि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे जीके उतना प्रायोरिटी नहीं देता मैं जीके को, क्योंकि मेरा एम रहता है कि मुझे तीन सब्जेक्ट में 140 प्लस स्कोर करना है। फिर भी जीके का टारगेट मेरा होता है 25 प्लस मार्क्स आ जाएं, दैट इज एनफ। उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक क्वालिटी की नोट्स थी, अभी भी है, ये हालत ठीक नहीं है इसकी, दो तीन साल से पढ़ रहा हूँ इसको मैं। अलग अलग वीडियोज देख के मैंने इस नोट्स को कंपाइल किया है, आप भी देख सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के इसको कंपाइल कर सकते हैं। वैसे सिंपल सी आप एक बुक है मनोहर पांडे जी की 25 रुपये वाली किताब, इससे भी आप क्वालिटी को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ घटना चक्र के बारे में। इस घटना चक्र को पढ़ना कैसे है, क्या इतनी मोटी किताब को पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। इस घटना चक्र और इस किताब को दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ना है हिस्ट्री, आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, आपको पढ़ना है साइंस। साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बट आपको पढ़ना है सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा हो, आपका बैकग्राउंड हो, तो आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो केमिस्ट्री बहुत कम समझ में आती है, तो आप नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आजकल कोई सर्टेन नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं एसएससी में, जो टीसीएस पैटर्न जब से आया है जीके का कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। फिर भी ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस। साइंस में आप तीनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दो पढ़ना कंपलसरी है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। आप पहले इससे पढ़ेंगे ये सारे सब्जेक्ट को, उसके बाद आप इस पे आएंगे, इस पे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, इनको करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप इनको करेंगे तो आपको देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन के नीचे उसके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके एक्सप्लेनेशन के आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। इसीलिए इसको पढ़ना कैसे है, पहले इन चारों सब्जेक्ट को इससे पढ़ना है, उसके बाद इन चारों सब्जेक्ट को इससे पढ़ना है, और इसमें आंसर के साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ने हैं, ठीक है। इससे आपका जो ये एक सब्जेक्ट वाला पार्ट है ये आपका कवर हो जाता है लगभग, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लिए मुझे इतनी मोटी चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। वो मैं दो नंबर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग और आपके इंग्लिश में कवर कर लूंगा, लेकिन दो नंबर के लिए अब मैं इकोनॉमिक्स को इतना टाइम दूँ, उसमें मैं मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता हूँ और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता और थोड़ी सी मुझे समझ में भी नहीं आती, इसलिए नहीं पढ़ता। तो ये तो था आपके सिंपल जो सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात आता है स्टैटिक। स्टैटिक पार्ट में भी इसमें जो मनोहर पांडे की बुक है इसमें बहुत सारे पीछे स्टैटिक पार्ट आपके दिए हुए हैं, आप यहाँ से स्टैटिक पार्ट्स को करेंगे। फिर भी मैं क्या क्या करता था, मेरे पास कुछ लिस्ट थे, जैसे कि मनोहर पांडे के पीछे के स्टैटिक के जो कंटेंट थी मैं इनको पढ़ना, सेकंड माउंटेन्स को पढ़ना, रिवर्स को पढ़ना, पासेस को पढ़ना, जो ये दर्रे होते हैं आपके नाथुला हो गया और सिक्किम में और कई दर्रे हैं जो हमारे हिमालय रेंज में पाए जाते हैं, उन सब दर्रों के बारे में पढ़ना, फेस्टिवल्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ के फेस्टिवल्स को पढ़ना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो स्पेशल डांसेस हैं उनको पढ़ना, अर्थक्वैक, वोल्केनो, जो ग्रासेस होते हैं डिफरेंट टाइप की ग्रासेस हो गए आपके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब की एक लिस्ट बना के आप यूट्यूब से डिफरेंट वीडियोज देख सकते हैं और वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं, इससे भी आपके बहुत सारे स्टैटिक पार्ट कवर होते हैं। तो बात आती है करेंट कहाँ से करें, करेंट का कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको करेंट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हर महीने स्टडी आईक्यू का जो एक सब्सक्रिप्शन आता है 300 बेस्ट क्वेश्चन वाले, आप उनको हर महीने कर सकते हो, या तो हमारे जो टीचर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं अभास सैनी सर हो गए, और ये लोग एग्जाम से एक महीने पहले एक पूरी करंट की बुकलेट देते हैं, आप उस करंट की बुकलेट को एक महीने पहले कर सकते हो। अगर आपका रिटेंशन पावर अच्छा है तो आप उसको एक महीने पहले करंट को कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आपको जून से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर करना होगा,
ठीक है। तो अगर आप करंट पढ़ना अच्छा लगता हो, आपकी ज़्यादा रिटेंशन पावर अच्छी ना हो, रिवीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती हो, तो आप हर महीने करंट का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए स्टडी आईक्यू से, जिसमें 300 क्वेश्चंस आते हैं और टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा फ्री में मिल जाते हैं आपको। तो जो महीने के बेस्ट 300 क्वेश्चंस हैं उनको आप हर महीने तैयार करिए, 6 महीने तक तैयार करिए, करंट का क्वेश्चन आपके उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर करंट के 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। अगर आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इधर अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और करंट को सिर्फ 1 महीना देना चाहते हैं, तो जो टीचर्स एक करंट की बुकलेट निकालते हैं एग्जाम से 1 महीने पहले, आप उसको कर सकते हो। उससे भी आपको यही सारे टॉपिक्स उसमें दिखे आएंगे, उन सारे टॉपिक्स को करना है जो अवार्ड्स हो जाते हैं उस समय के, नेशनल अवार्ड्स हो गए, फिल्म अवार्ड्स हो गए, और जो ग्रैमी जो सारे अवार्ड्स मिलते हैं वो सब कवर करना होता है। तो आप 1 महीने पहले भी कर सकते हो या आप लगातार 6 महीने तक भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर लगातार 6 महीने तक करेंगे तो आपके करंट के क्वेश्चन ज़्यादा करने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, 1 महीना पहले करेंगे तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये था जीके करने का तरीका। इसमें इतना करने के बाद आप 20+ स्कोर कर सकते हो, ये मेरा दावा है। हाँ, दूसरी चीज़, जो मॉक्स आप दे रहे हो, मॉक्स में भी जो क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, उन 25 क्वेश्चन को भी एनालाइज करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि सर बस 25 क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चंस के आंसर होंगे याद करिए, नहीं, 25 के 25 क्वेश्चंस को एनालाइज करना भी जरूरी है। आप देखेंगे कि आंसर के नीचे बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है उस आंसर का, उस आंसर के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आपके 1 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो हमें तो पता है नहीं कि क्या पूछने वाला है, तो जितना ज़्यादा मटेरियल हम अपने माइंड में रख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, उतना जरूरी है। तो आप इनको करिए, और जो मॉक में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जब भी आप मॉक दे रहे हैं, वैसे मॉक तो डेली देना है आपको, अभी मैं आगे आने वाले वीडियोस में अपनी आपको डेली रूटीन दूंगा CGL 2022 के लिए, उसमें सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपको डेली एक मॉक अटेम्प्ट करना है। तो जो भी मॉक आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें 25 क्वेश्चन जो जीके के होंगे, उन 25 क्वेश्चन के जीके के आंसर्स को याद करेंगे और उसके डिस्क्रिप्शंस को याद करेंगे, ताकि उनके आसपास के जो क्वेश्चंस हो आपके तैयार हो। ये तो थी मेरी जीके की स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मेरे पास कोई किताब नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रीजनिंग के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। हाँ, आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और उसको चैप्टर वाइज 100-200 सवाल हर चैप्टर से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक चैप्टर में अगर 800 सवाल है तो आप 800 सवाल करें, नहीं, 200-300 सवाल कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ मॉक देना है, डेली मॉक दीजिए। मॉक में जो भी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं उनको करिए, जो गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करिए, जो चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत हो रहे हैं उन चैप्टर्स को यूट्यूब पर जाके स्पेसिफिकली किसी वीडियो को लेकर पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, रीजनिंग का पैटर्न पहले से और अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। अब आपको रीजनिंग के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं भी करते थे, केवल मॉक से काम चल जाता था, लेकिन अब आपको अलग से रीजनिंग प्रैक्टिस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब से TCS ने 2019 से जब से अपना स्टार्ट किया, रीजनिंग का पेपर कुछ डिफरेंट बना रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है 2019, 2020, 2021 CGL, CPO, MTS, CHSL, ये जितने एग्जाम SSC ले रहा है, TCS ले रहा है, इन सारे के रीजनिंग के PDF निकालिए और PDF को अपने लैपटॉप में लगाइए, फ़ोन में लगाइए, और उसको हर रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस करिए, तभी आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो सकता है। क्योंकि अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, रीजनिंग में 10 नंबर कम हो गए, अगर 47.5 की जगह 37.5 रह गए, तो आप रैंक में बहुत पीछे हो जाओगे। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स को ही टारगेट रख के चलना है, मेरा यही मानना है। 4 में से किसी 3 सब्जेक्ट को बिल्कुल टारगेट लेके चलिए कि 140+ स्कोर करें। और जीके की जहाँ तक बात है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर 25 नंबर भी आ जाता है, और मैं बता रहा हूँ कि इतना पढ़ के आप 25 नंबर ला सकते हो, 25 नंबर भी अगर आपका आता है तो आपका स्कोर 160+ हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉलो करिए। रीजनिंग के लिए मैं PDF डाल दूंगा, मेरा एक चैनल है CGL Alexis by KK टेलीग्राम पे, उसके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रीजनिंग के सारे PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करके और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।